मालेगांव ब्लास्ट का जो केस है, जिसकी सुनवाई जो है सेशन कोर्ट के अंदर लगातार जारी रहेगी। 3 अक्टूबर से जो है सेशन कोर्ट के अंदर रेगुलर जो है वो सुनवाई होगी, और कोर्ट ने साफ तौर पे आदेश दिया है कि जो भी सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं होगा तो उसके लिए गैर जमाती वारंट निकाला जाएगा। अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बात करें तो आज साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी सेशन कोर्ट पहुंची, कर्नल पुरोहित भी पहुंचे और तमाम जो आरोपी है वो कोर्ट परिसर में पहुंचे। ये बात मैं बताता चलूँ कि जो बम ब्लास्ट हुआ था 2008 में हुआ था, जिसकी शुरुआत केपी रघुवंशी जो उस वक्त के एटीएस चीफ थे उन्होंने करना शुरू करी थी। उसके बाद जब एटीएस चीफ जो है वो चेंज होते हैं, हेमंत करकरे के पास जब केस आता है तो हेमंत करकरे ने कहीं ना कहीं ये केस को अलग दिशा में लेके गए और कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पास से जो उसके नाम की जो बाइक थी जो मालेगांव में ब्लास्ट के अंदर इस्तेमाल हुई थी, उसके बाद जो है तमाम जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। तकरीबन 15 साल के बाद अब ये कोर्ट की जो हियरिंग है वो लगातार जारी रहेगी। हालांकि इस केस के अंदर 35 से ज़्यादा जो गवाह थे वो कहीं ना कहीं हॉस्टाइज हो चुके हैं और कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि उन सवालों के जो जवाब है वो लेना बाकी है। तो इसी वजह से जब ये सुनवाई है लगातार जारी रहेगी और मालेगांव ब्लास्ट के अंदर अब ये जो आरोपी है इनको कहीं ना कहीं जो है ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। हालांकि तमाम जो आरोपी है बेल पे बाहर है, लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे ये निर्देश दिया है कि तमाम जो आरोपी है 3 अक्टूबर के बाद रेगुलर जो है वो कोर्ट के अंदर हाजिर रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मालेगांव ब्लास्ट के अंदर जो लोगों का इंतकाल हो गया उन लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट को 15 साल हो गया है और लगातार लोगों की ये उम्मीद बनी हुई है कि मालेगांव ब्लास्ट के अंदर कहीं ना कहीं उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।